दोस्तों, अगर आप ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CSP संचालक है, BC हैं, तो यहाँ पर आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर ना BC एप्लीकेशन ऐप में कुछ ऐसे फीचर्स आए हुए थे कि जैसे कि Wallet 1, लेकिन Wallet 1 में पैसा ऐड कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हम Wallet 1 में पैसा कैसे ऐड करें, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ना Wallet 1 में पैसा ऐड कैसे करें। और यहाँ पर एक और फीचर ऐड हुआ था वर्चुअल अकाउंट का। तो यहाँ पर ना वर्चुअल अकाउंट का कहाँ पर उपयोग होना है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Wallet 1 में पैसा आप किस प्रकार से पैसे ऐड करेंगे और वर्चुअल अकाउंट का क्या उपयोग है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ना मैं BC एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लिया है, यहाँ पर अपना ID पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉग इन हो गया हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर ना Wallet 1 में अभी 1 भी रुपये नहीं है। तो आप ना Wallet 1 में आप किस प्रकार से आप पैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक प्लस का आपको एक आइकन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ना आपको वर्चुअल अकाउंट मिल जाएगा, अकाउंट नंबर हो गया और IFC कोड हो गया और बेनिफिकेशरी नाम यहाँ पर दिए हुए है। और आपको ना यहाँ पर करना क्या है, तो जो ये अकाउंट नंबर है और IFC कोड है, तो आपको जो है ना इसे यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हमें ना Wallet 1 में पैसा ऐड करना है और जो यह वर्चुअल अकाउंट है, तो इसी अकाउंट के जरिए से ना हम अपने Wallet 1 में हम पैसे ऐड करेंगे। तो आपको ना जो है इसे नोट डाउन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। जैसे ना आप यहाँ पर आप बैक आ जाएंगे, तो आपको ना यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ना आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको ना यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश आउट। तो आपको यहाँ पर कैश आउट की सर्विस में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वॉलेट में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर वॉलेट टू बैंक में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ना आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ट्रांसफ़र, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर आपका वॉलेट कैश आउट के लिए आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिल जाएगा, तो आपको ना यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ना आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरा पहले से ही मेरा अकाउंट ऐड है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, आपको यहाँ पर प्लस का एक और आइकॉन मिल जाएगा, तो आपको ना यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ना आपको जो वर्चुअल अकाउंट नंबर है, जिसका हमने नोट डाउन किया है, अकाउंट नंबर और IFC कोड, वही वर्चुअल अकाउंट नंबर आपको यहां पर फिल करना है। पर वर्चुअल अकाउंट नंबर आपको यहां पर फिल कर लेना है और IFC कोड आपको यहां पर डाल देना है और जो पिन कोड है आपको यहां पर फिल कर लेना है। दोस्तों, यहां पर ना जो हमारा वर्चुअल अकाउंट है, तो इन वॉलेट टॉप अप करने के लिए यहां पर काम में आता है, यानी वॉलेट अकाउंट में, Wallet 1 के अकाउंट में हमें पैसा ऐड करने के काम में आता है। तो जैसे ना आप अकाउंट नंबर IFC कोड आप फिल कर लेते हैं, तो आपको ना यहाँ पर गेट OTP पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ना आप गेट OTP पर आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपके बैंक BC से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वह OTP ना आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे ना आप यहाँ पर OTP आप फिल कर लेते हैं, तो आपको ना यहाँ पर ऐड अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ना आप ऐड अकाउंट में आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर आपका वर्चुअल अकाउंट आपका यहां से ऐड सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका जो है ना वर्चुअल अकाउंट आपका यहां से ऐड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये वर्चुअल अकाउंट हमारा किस काम में आता है। ये जो वर्चुअल अकाउंट है हमारे टॉप अप करने के लिए, यानी Wallet 1 में पैसा ऐड करने के लिए काम में आता है। तो आपको ना यहां पर बैक आ जाना है, होम डैशबोर्ड में आ जाना है। तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे Wallet 1 में ना 1 रुपया यहां पर क्रेडिट हो गया, जो कि ना यहां पर 1 रुपया चार्ज रहता है। आपके Wallet 2 से ना आपके Wallet 1 में ट्रांसफ़र होने के लिए जाता है, जो कि ना एक चार्ज रहता है। हालांकि ना ये हमारे ही अकाउंट में आता है, जब भी हम फर्स्ट टाइम ना कैश आउट के लिए अपना अकाउंट ऐड करते हैं, तो वहां पर भी 1 रुपये का चार्ज देना होता है, लेकिन वो हमारे ही अकाउंट में आता है। बोला जाए तो एक कन्फर्म करने के लिए आता है कि ये अकाउंट आपका सही है या फिर नहीं है। इसमें हमको पता चल जाता है कि हमारे वॉलेट में अगर पैसा ऐड होता है, तो कन्फर्म हो जाता है कि हमारे वॉलेट, हमारा जो अकाउंट है वो सही है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे Wallet 1 में ना 1 रुपया यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर Wallet 1 में पैसा किस प्रकार से ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर कैश आउट की सर्विस में आ जाना है। जैसे ही आप कैश आउट की सर्विस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट अपने Wallet 1 में आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो आपको ना यहाँ पर अमाउंट फिल कर लेना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट बैंक में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ना आपका वर्चुअल अकाउंट आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर नया अकाउंट जोड़ा, तो आपको ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट जोड़ा है तो आपको ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ना आप ऐसे यहाँ
यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ना यहाँ पर पुरचीत में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही पुरचीत पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका वॉलेट टू से जो कैश आउट रहता है, आपका वॉलेट टू में जो भी आप APS से कैश विड्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी सेटलमेंट आता है तो यहाँ पर जो है वॉलेट टू से ही आपका यहाँ से जो कैश आउट रहता है आपके वॉलेट वन में आपका पैसा ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा वॉलेट वन में यहाँ पर पैसा ऐड हो चुका है, तो आप भी ना यहाँ से ना वॉलेट वन में आप पैसा इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल में मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट।